इस वीडियो में बात करना हो किस तरीके से आप अपने फ़ोन में गूगल असिस्टेंट को आप इजीली जो कि सेट कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होता है गूगल असिस्टेंट कैसे लगाते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सैमसंग के फ़ोन में कैसे इनेबल करेंगे। तो वॉइस मैच के साथ तो सबसे पहले आपको गूगल को खोल लेना है। खोलते ही आपको यहाँ पे ये मोर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का ऑप्शंस दिखेगा, तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाते ही वॉइस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे वॉइस मैच का ऑप्शन दिखेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपको एक नया पेज खुल जाएगा, तो आपको यहाँ पे इसको ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है। तो अगर ये वाला ऑन करना है तो इसको ऑन, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे डन कर देना है। अब ये सिर्फ इनेबल तो हो गया है, लेकिन वॉइस मैच नहीं हुआ। सैमसंग के किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए आप इस पर क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करना है माई एक्टिविटी कंट्रोल वॉइस ऐड पे जाएंगे, तो आप यहाँ से वॉइस वगैरह ऐड कर सकते हैं। हे गूगल, तो ये हमारा पहले से मैच हो रखा है और मुकेश भी लिखा हुआ आ रहा है। तो जैसे ये मैच हो जाए आप यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे इसको इनेबल करेंगे, और यहाँ पे अगर नहीं होता है तो अब इसको मैं डिलीट करके दोबारा ऐड करके दिखा देता हूँ आपको। हे गूगल, एक मिनट, इसको ऑन करना पड़ेगा पहले। तो मेरा पहले से मैच हो रखा है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा और बार बार बोलना पड़ेगा। जब उस गोल सर्कल पूरा हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरा ये तो ऑन हो चुका है, तो मैं आपको इसको कमांड दे करके दिखा देता हूँ। काफ़ी कमाल का होता है ये फीचर्स, तो मैं आपको बोल देता हूँ। हे गूगल, प्लीज़ प्ले सॉन्ग ऑन यूट्यूब ज़रा ज़रा। तो इसको जो भी आप कमांड देंगे वो सारा कमांड मानेगा। ये आपका अलार्म लगवा सकते हैं, कॉल लगवा सकते हैं नाम के साथ। तो ये आप देख सकते हैं आ चुका है, यहाँ पे लग चुका है। आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आप भी अपने फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हैं गूगल बोल बोल के। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।